अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू SN TV। दोस्तों, हमारा अनसाब एक मखसूस मालूमात तक महदूद होता है, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में जानने का शौक रखने वाले अपने कोर्स की किताबों तक महदूद नहीं रहते और इन्हें जिस जरिए से भी मालूमात मिले वो इसे हासिल करके रहते हैं। आज के इस आर्टिकल में मैं आपको चंद ऐसे ही मुख्तसर मालूमात पर मुश्तमिल तारीखी तस्वीरें दिखाऊंगा जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेंगी। ये जंगल में एक बारबरी शेर की आखिरी तस्वीर जो 1925 में दुनिया के सबसे बड़े कैमरे से खींची गई थी। मैनहट्टन पुल की तामीर के दौरान खींची जाने वाली तस्वीर जो कि 1909 में ली गई थी, यानी ये तस्वीर 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आखिरी रूसी शहनशाह नकलस दोम और इसका कजन इंग्लैंड का बादशाह जॉर्ज पंजम, इनकी ये तारीखी तस्वीर 1913 में खींची गई थी। जलजिले के बाद जलता हुआ फ्रांसिस्को मिशन डिस्ट्रिक्ट, तस्वीर में कैद ये मंजर साल 1906 का है। 1906 में फ्रांसिस्को में आने वाले जलजिले के बाद ली जाने वाली ये आखिरी तस्वीर थी जिसमें सारा शहर जल गया था। दोस्तों, ये इस वक्त की तस्वीर है जब फ्रांस के आइफल टावर पर आसमानी बिजली गिरी थी। ये तस्वीर साल 1906 में खींची गई थी। इस तस्वीर में एक कार अमरीकी रियासत टेक्सास के इलाके पेन हैंडल में मट्टी धूल के तूफान से बचने की कोशिश कर रही है। खौफनाक तूफान की ये तस्वीर 1936 में खींची गई थी। दोस्तों, इस तस्वीर में कुछ फोरमैन क्लीवलैंड ओहायो में दराय काया होगा कि आग से निमटने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी शुरुआत पानी पर तेल बहने की वजह से हुई थी। ये मनाजर साल 1952 का है। जनूबी कैरोलिना में एक टेक्सटाइल मिल में चाइल्ड लेबर के कवानीन की खिलाफ वर्जी, ये तस्वीर 1908 में खींची गई थी। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा कोडिक का K24 कैमरा है जिसे पायलट फजा में जासूसी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अलास्का के इस शहरी को जादू टोने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। ये तस्वीर 1886 में खींची गई थी, यानी ये तस्वीर 136 साल पुरानी है। दोस्तों, आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ बने बेल आइकॉन पे भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।